रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शिमला मिर्च और आलू बनाना बता रही हूँ। और इसकी ये रेसिपी है, ये दो आलू हैं, तीन शिमला मिर्च हैं मीडियम साइज़ की, और ये सब्ज़ धनिया है थोड़ी सी, ये हम बाद में डाल लेंगे, और दो हरी मिर्चें हैं, और एक टमाटर है, और ज़ीरा है, नमक है, और हल्दी है, और थोड़ी सी दही है। हाफ टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून नमक है, और हाफ टी स्पून ज़ीरा है, और ये थोड़ी सी हाफ कप दही का है, हाफ से भी हाफ है, ये तीन से चार चम्मच खाने के। और ये मेरे पास चिकन का सालन बना हुआ था, इसको मैं इसके अंदर इस्तेमाल करने लगी हूँ, इसलिए मैंने ये मिर्चें वगैरह नमक थोड़ा सा नॉर्मल डाला है, और शिमला मिर्च के अंदर भी होता है, तो इस वजह से। ये एक मीडियम प्याज है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के, चिकन में पहले ही ऑयल है इसलिए मैं थोड़ा डाल दी, दो चम्मच खाने के तीन मैंने डाले हैं। इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, हल्का सा सुनहरी कलर का करूँगी, ज़्यादा नहीं इसको बनाऊँगी। अब इसके अंदर मैं मिर्च मसाला डाल के और सब्ज़ी भून लूँगी, और एंड पे मैं चिकन का सालन डालूँगी। ये टमाटर भी इसके अंदर हम काट के साथ ही डाल देंगे, और ये सब्जी तकरीबन तैयार हो गई है, आलू भी तकरीबन पक गया। अब इसके अंदर हम ये चिकन का सालन डालेंगे, और थोड़ी देर इसको और पकाएंगे, फिर डिश आउट करेंगे। हाँ जी, ये देखिए चिकन और शिमला मिर्च तैयार हो गई है, अब इसको हम डिश आउट करेंगे। सब्ज़ धनिया डालेंगे, और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत मज़े का बना है। और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये तकरीबन तैयार है, और दुआ में याद रखिएगा, इसको ज़रूर बनाइएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।